दही के बारे में तो गाइस आप सभी ने सुना होगा कि आपको पता है गाइस कैसे हम दही को इंडस्ट्री लेवल पे बनाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे गाइस। चलिए सीधा हम वीडियो पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं फूड साइंस और टेक, और आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक अ दही इंडस्ट्री लेवल। इससे पहले कि गाइस मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, गाइस नीचे लाल कलर का बटन दे रखा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपको बनाता रहूं, आपको ऐसे ही अपडेट। तो गाइस सीधा बात करते हैं हम दही के बारे में। तो गाइस दही होता क्या है? दही गाइस एक है हमारा फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट है जिससे हम करते क्या है, मिल्क को फर्मेंट करके उसमें से दही प्राप्त कर लेते हैं। तो लेकिन गाइस दही डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में अलग अलग तरह का पाया जाता है। देखा जाए अगर हमारा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का दही कंपेयर किया जाए तो दोनों की कंसिस्टेंसी और उसकी विस्कोसिटी में थोड़ा डिफरेंस आता है। एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया थोड़ा हमारा दही थिक होता है और एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया थोड़ा सा उसे डाइल्यूटेड होता है। तो गाइस ये सारा डिपेंड करता है माइक्रोफ्लोरा की कंसिस्टेंसी और कैसी उसकी एक्टिविटी है, उस पर ही सारा डिपेंड करता है। तो गाइस तो अब बात करते हैं गाइस ये दही को हम कैसे बनाते हैं। नॉर्मली गाइस करते क्या, हम घरों में क्या करते हैं कि पुराना पड़ा हुआ दही होता है उसमें दूध में गर्म दूध में डालते हैं और उसे रख देते हैं और उसे बॉइल्ड दूध में डालते हैं उसे रखते हैं और उसे दही बनना शुरू हो जाता है। तो गाइस अब बात आती है कि कैसे हम इंडस्ट्री लेवल पे इसे बना सकते हैं। तो गाइस ध्यान से सुनिए बात, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे हम इंडस्ट्री वे हम दही को बनाते हैं। तो गाइस करना क्या है, इसमें हम मिल्क लेते हैं जो कि लो फैट परसेंटेज का होता है। उसे क्या करते हैं, हम उसे हीट उसे जो भी हमारा स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और उसके जो भी हमें फैट परसेंटेज कम करनी हो या SNF बढ़ाना हो यानी कि सॉलिड नॉट फैट कंटेंट बढ़ाना हो तो उसमें डाल देते हैं जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। तो उसे स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे करते हैं हम हीट कर देते हैं 85-90 डिग्री सेल्सियस पे। तो 85-90 डिग्री सेल्सियस पे उसे ठंडा करके 40 डिग्री सेल्सियस पे हम अपना जो भी हमारा कल्चर है जैसे लैक्टोबैसिलस लैटिस हो गया, लैटिक एसिड बैक्टीरिया हो गया, हम उसमें डाल के या एक्सेक्ट जो भी बैक्टीरिया होते हैं हम उसके अंदर डाल के दही को फर्मेंट कर देते हैं। और फर्मेंट होने के बाद उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालने के बाद उसे कप में हम डाल देते हैं, कप में डाल के उसकी कैपिंग अच्छी तरह से करने के बाद उसे हम इंक्यूबेट कर देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस पे, इंक्यूबेशन कर देते हैं 4 आवर के लिए। तो गाइस इसके बाद क्या करते हैं हम गाइस उसे ठंडा कर देते हैं अपने रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, हमारा दही प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और नीचे लाल बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाइए।